रविंद्र जी, बात करें अगर यहाँ से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड का अक्टूबर में आधा करेक्शन के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 8500 का लेवल ब्रेक हो चुका है, 8471 पर है आधे फीसदी की करेक्शन के साथ। रविंद्र जी, अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से स्पॉट मार्केट के अंदर हाजिर बाजार में किसान माल अपना रोक रोक कर ला रहे हैं, और आपने जैसे पहले इंटरव्यूज में भी बता चुके हैं कि मस्टर्ड सीड का देश में इतना स्टॉक नहीं है, लगभग 30 लाख टन के आसपास है, और न्यू क्रॉप आने में भी अभी 4 से 5 महीने का समय बाकी है, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो मस्टर्ड सीड है वो 9000 के भी अबव जाती हुई नजर आ पाएगी? जी बिल्कुल, मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में हमने पहले भी काफी डिस्कस किया है इसी चीज पे कि इसमें स्टॉक जो है, कैरी ओवर स्टॉक जो है वो काफी कम है, और उसी का असर जो है वो प्राइसेस पे देखने को मिल भी रहा है। ऑलरेडी 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमोडिटी जो है ये अपसाइड मूव कर चुकी है, और यहाँ से अभी और ज्यादा अपसाइड देखने को मिल सकती है। जरूर एक करेक्टिव मूव में है इस टाइम पे, यहाँ से करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है। ये करेक्शन डाउनसाइड में 8350 तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन वहां से अगेन अपसाइड देखने को मिलेगी तो इस बार ये 8700 के ऊपर होल्ड करेगी, तो चांसेस ये लग रहे हैं कि 9000 तक ये कमोडिटी मूव कर सकती है। जी,